नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में तीन राज्यों में बंपर जीत का जोरदार जश्न मना। इस अवसर पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। आज हो सकता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार वसुंधरा दिल्ली पहुंच गई हैं। वे आज अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा भी दिया है कि वे पार्टी लाइन के साथ रहेंगी। राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को समाप्त हो गया। देर रात हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान, एक आरोपी मकराना का रोहित राठौर और दूसरा महेंद्र गढ़ का नितिन है। नितिन सेना का जवान है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की संभावना। चुनाव के दौरान दिए गए रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया था बिहारी जीन, केसीआर की तुलना में खुद को बताया था बेहतर विकल्प। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति रतन टाटा भी हुए डीफेक वीडियो का शिकार। जोखिम मुक्त और 100% गारंटी के साथ निवेश को लेकर साझा किए गए वीडियो को बताया फर्जी। दिल्ली में गुरुवार की सुबह ठंड महसूस की गई और कोहरा छाया रहा। वही न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गजा पर निर्मम तरीके से जारी बमबारी की आलोचना की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य होने के नाते यह भारत का कर्तव्य है कि वह सही का साथ दे और जल्द से जल्द संघर्ष विराम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। फोर्ब्स ने जारी की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। लिस्ट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और गायिका टेलर स्विफ्ट जैसी हस्तियां शामिल। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।